करेंगे। जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लास 3 चरणों में पूरी हो रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रारंभिक के विद्यार्थियों के लिए जो शब्द मैंने बताए थे उनका रिवीजन ता 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 इस प्रकार से, और तीन आगे की तरफ तीन 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 तीन, फिर नेक्स्ट शब्द है धा, संयुक्त अक्षर दोनों के साथ में, दोनों हाथों के साथ में बैठता है धा इस तरह से, ग और ये ता वाली उंगली मिलके धा, और ये धीन मैंने चार चार बार बजाएंगे। इसकी प्रैक्टिस निरंतर करें, रोज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ता 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 ता, उंगली को हल्के से गिराना है ता 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 ता, तीन 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 तीन, ता 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 ता, फिर धा 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 धा, तीन तीन इस तरह से। अब बाय की प्रैक्टिस के लिए मैं आज कुछ बता रहा हूं आपको। ग ग ग ग एक बार बीच वाली उंगली से, एक बार पहली उंगली से। बीच वाली उंगली एक पे लगेगी, ये दो पे लगेगी, एक दो एक दो एक दो, या तो आप इसे एक दो तीन चार इस तरह भी कर सकते हैं। ध्यान रखें हाथ की उंगलियां ज्यादा गैप में नहीं हो, पास में होना चाहिए इस तरह से। जब आवाज अच्छी आने लगे उसके बाद में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। हथेली को दबा करके आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज मैं दुगुन लय बजाने जा रहा हूं, वो कैसी होती है वो देखें। पहले हाथ पे करके देखेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, दादरा ताल की, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छ, 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 एक। अब इसके बोल, धा धी ना धा ती ना, 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 धा। इसको बजाएंगे कैसे ये भी देखेंगे। अब दुगुन, दुगुन मतलब 6 के टाइम पीरियड में 12 मात्राएं बजा, इसे दुगुन कहेंगे। इसी प्रकार कहरवा भी होगी, कहरवा को हाथ पे करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, 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 धा गी न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न, धा।
इसे बजा के देखेंगे। इस तरह से इसी प्रकार त्रिताल भी है, त्रिताल भी मैं बता चुका हूं आपको इसका दुगुण कैसे होता है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 अब इसे बजा के देखेंगे। फिर से दुगुण चरण में आज एक नया बोल सीखेंगे गदी गन। ये पखावज का बोल है मूलतः, पर तबले पे भी बहुत बजाया जाता है। ग हमें बजाना आता है इस तरह, पहली उंगली से बाएं पे मारेंगे ग, फिर डी, ये भी मैं बता चुका हूं, तो ये ग डी ग फिर न, ग डी ग न, चार मात्रा का बोल है। ये ग डी ग न, ग डी ग न, गदी गन। कल हमने सीखा था और एक ये गिफ्ट, इसी के आगे ये बार एक कड़धा सीखा था, कड़धा में कड़ ये तीनों उंगली लगाना है, कड़धा। जब हम बहुत तेज लय में बजाएंगे या बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये तीसरी उंगली ही लगेगी सिर्फ कड़धा में, इस तरह से, इस तरह से शुरुआत में ऐसा ही करना है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये उंगली का यूज होगा। फिर इस तरह से शुरुआत में क्या करना है, और द्रुत लय में या आगे जाके प्रैक्टिस होने के बाद इस तरह से बजेगा, इस तीसरी उंगली से, ये वाली उंगली से, ये जो बोल मैं आपको दे रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस आप निरंतर रखी है, जब अच्छे से बजाना आ जाएंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप पे वीडियो भेज सकते हैं आपका, तो मैं देख लूंगा उसके अनुसार मैं आपको नए बोल और बताता रहूंगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं तीन ओंकार के साथ। ओम शांति शांति शांति। साई राम।